आपका नाम? लक्ष्मण श्रीवास, छत्तीसगढ़ से। क्या कर रहे हो आप? मैं अभी गौमूत्र और गोबर का स्नान कर रहा हूँ। इसको रगड़ना है पूरे शरीर में, पानी में थोड़ा सा गोबर लेकर के पूरे शरीर में इसको ऐसे करके मल लेना है। और इससे जो है बहुत अच्छा, ये शरीर शुद्धिकरण करने के लिए सबसे बड़ा, आप फील करोगे क्या लाइट लग रहा है गोबर लगाने के बाद। सबसे अच्छा चीज है। अब अभी मेरा शरीर देख लीजिए, अभी मैं अभी उतना साफ नहीं दिख रहा है। अभी मैं इतना इतना काफी दिन से जो इस सांसारिक चीज को ले रहा था और साबुन वाबुन अंग्रेजों का बनाया हुआ चीज को लगा रहा था, तो ये सब देख रहे हैं। अभी ये हमारा भारतीय गौ माता का गोबर जो है वो देखिए लगा रहा हूँ। इसको लगाने के बाद, नहाने के बाद आप देखिएगा, है ना, क्या फील करते हैं। बहुत अच्छा, आप रियलाइज भी नहीं कर सकते हैं इतना अच्छा फीलिंग होगा आपको ना। क्योंकि हम लोग इस चीज को गलत तरीके से लेते हैं, सोचने से बोलने से। आजकल के बच्चे लोग इसको एकदम मुंह फेरने लगते हैं, जी, है ना। उसको गौमूत्र नहीं, उसको बस पिज्जा बर्गर खाना है तो वो साबुन लगाएंगे, वो क्लोथिंग लगाएंगे, सिंथॉल लगाएंगे ठंडा है बोल के। अरे इसको लगा करके देखो, इसमें ठंडा, गर्मी के दिन में एकदम ठंड आ जाएगा और ठंडी के दिन में तो एकदम फिर गर्मी ही गर्मी है फिर। अच्छा, आपका शरीर में तो कुछ चर्म रोग भी तो नहीं है, तो आप क्यों गोबर लगा रहे हो? नहीं, चर्म रोग रहना जरूरी नहीं है, ये कुछ रहे चाहे मत रहे, हो मत बोल के लगाएंगे। अब कैंसर आने के बाद कैंसर का दवाई खाएंगे तो मरना जरूरी है। उससे पहले लग खाते हैं दवा ताकि कैंसर मत हो, जिंदगी में कुछ बीमारी टच भी मत करे, तब तो शुद्ध होंगे हम लोग अच्छा। ना। जी, ठीक, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय गौ माता। अच्छा, आप पहले बार लगा रहे हो ना, पहले भी? नहीं, पहली बार लगा रहा हूँ, ये पहला एक्सपीरियंस है। अच्छा, और ये देखिए, ये अभी लगाते ही लगाते, देखिए अभी ये इसका कलर देखिए, यहाँ का अंदर का वो तो अभी ये है ना, ये पूरा पूरा साफ हो जा रहा है? नहीं, साफ हो जा रहा है, पूरा पूरा मैल, पूरा पूरा मैल निकाल करके बाहर कर दे रहा है। ठीक, ज्यादा लेकिन लंबा मत बनाइए, भी ज्यादा हो जाएगा फिर।